بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته। अज़ीज़ तलबा कराम, उम्मीद करता हूँ आप खैर से होंगे। इंशाअल्लाह आज हम तफ़सीर जलालैन के दर्स नंबर 378 में सिपारा नंबर 10 से सूरह अनफाल की मुंतखब करदा आयात 52 और 53 को पढ़ने की सआदत हासिल करेंगे, जिनमें कलाम बारी तआला व कलाम मुफस्सर का तर्जमा होगा। कलाम मुफस्सर की तशरीह व तौदीह करने की सआदत हासिल करेंगे। रबत व ताल्लुक आयात को जिक्र किया जाएगा और दर्स पर होने वाले एतराज़ात का जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो आइए तलबा कराम बिला ताखीर बढ़ते हैं अपने आज के दर्स की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब तआला ने इरशाद फरमाया, कदा वि आल फिरऔन वल्लज़ीन मिन क़ब्लिहिम कफ़रू बि आयातिल्लाहि फ़अख़ज़हुमुल्लाहु बिज़ुनूबिहिम इन्नल्लाहा क़वियुन शदीदुल इक़ाब। आइए तलबा कराम सबसे पहले इन आयात मुक़द्दसा का माकबल आयात के साथ रबत और ताल्लुक जान लेते हैं। उलमा व मुफस्सरीन कराम इन आयात मुकद्दसा का माकबल आयात के साथ पहला रबत और ताल्लुक कुछ यूं बयान करते हैं कि पिछली आयात में कुफ्फारे मक्का खुसूसन कुफ्फारे बद्र के दुनियावी और उखरवी आज़ाबों का जिक्र हुआ, अब इरशाद हो रहा है कि ये वाकया महज इत्तेफाकी नहीं बल्कि हमारा ये कानून है जो पहले से जारी हुआ है और आइंदा भी जारी रहेगा। इसके लिए फिरौन और उनसे पहले कुफ्फार का हवाला दिया जा रहा है। दूसरा ताल्लुक कुछ यूं जिक्र करते हैं कि पिछली आयात में कुफ्फारे बदर की डिठाई का जिक्र हुआ कि बदर की निशानियां देखकर उन सबको ईमान कबूल कर लेना चाहिए था मगर नहीं किया, अब इरशाद हो रहा है कि ए महबूब आप इससे कुछ गम न करें, कुफार का हमेशा यही हाल रहा है। इसके सबूत में फिरौन और दूसरे कुफार का जिक्र किया जा रहा है। तीसरा ताल्लुक कुछ यूं जिक्र और बयान करते हैं कि पिछली आयात में बताया गया कि कुफारे मक्का को पहले बहुत इज्जत दी गई, मक्का मुआजमा में रहने की वजह से उनकी बहुत हुरमत की गई, मगर जब उन्होंने इससे गलत फायदा उठाया तो उन्हें जलील कर दिया गया। अब उसके मुतालक फिरौन का वाकया बयान फरमाकर एक कानून की तरफ इशारा फरमाया जा रहा है कि जो कौम अपना हाल बदल देती है तो रब भी अपनी नियामत को जहमत में बदल देता है। रहमत का क्याम चाहते हो तो इताअत पर कायम रहो। आइए तलबा किराम रबत व ताल्लुक आयात के बाद बढ़ते हैं आज के दर्स के तर्जमा की तरफ। रब तआला ने इरशाद फरमाया, कदा वि आल फिरऔन वल्लज़ीन मिन क़ब्लिहिम कफ़रू बि आयातिल्लाह। इनके साथ ये मामला उसी तरह पेश आया जिस तरह फिरौन के और उनसे पहले लोगों के साथ पेश आया कि उन्होंने अल्लाह की आयतों को मानने से इनकार किया तो अल्लाह ताला ने उनको उनके गुनाहों की सजा में पकड़ लिया। जुमला काफारू और इसका माबाद इसके माकबल के लिए मुफस्सर है, बेशक अल्लाह ताला अपने मंशा के बारे में कवी है और सख्त आजाब देने वाला है। ये काफरों को आजाब देना इस वजह से है कि अल्लाह ताला का ये दस्तूर नहीं कि किसी कौम पर नियामतों का इनाम फरमाने के बाद उसको जहमत से बदल दे जब तक वो कौम अपने तर्ज अमल को खुद ही ना बदल ले।
यानी अपने ऊपर नेमतों के मुकतदी को न शुक्री से बदल दे, जैसा कि कुफारे मक्का ने बदल दिया, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनकी शिकम सीरी को फाका से, उनके अमन को खौफ से, और नबी करीम की विरासत को जो अजीम नेमत है, इनकार से और राहे खुदा से रोकने से और मोमिनीन के साथ किताल करने से बदल दिया। وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اور بلا شبہ اللہ تعالی سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ آئیے طلب کرام ترجمہ کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کی تشریح و توضیح کی طرف۔ یہاں پر ذکر کر رہے ہیں کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کفار مکہ کی ضد اور ہٹ دھرمیوں سے غمگین نہ ہوں، ان کا حال تو فرعونیوں اور ان سے پہلے والے کفار کی طرح ہے، جیسے قوم عاد، ثمود اور اس طرح کے لوگ گزرے ہیں کہ ان لوگوں نے اپنے نبیوں کے معجزات دیکھے، ان کی تعلیمات کو سنا، ان کو دیکھا اور ذات و صفات سے مطلع ہوئے، مگر اس سب کے باوجود انہوں نے ان سب کی بات ماننے کی بجائے ان کا ہی انکار کر دیا۔ یہ چیزیں آیات الہیہ سے تھیں جن کے ذریعے سے وہ مجھے جان پہچان سکتے تھے، بلکہ مجھے پا بھی سکتے تھے۔ اس انکار کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ رب العزت نے ان سب کو ان کے کفر اور بدکاریوں کے بسبب مختلف عذابوں سے پکڑ لیا۔ اللہ رحیم بھی ہے، کریم بھی ہے، اور ساتھ ہی اس کا عذاب بڑا سخت بھی ہے۔ جب پکڑ لیتا ہے تو اس سے کوئی چھوٹ نہیں سکتا، نہ کسی کو چھڑا سکتا ہے۔ یہی حال ان کفار مکہ کا ہونے والا ہے۔ بدر کی شکست وہاں کی ذلت خواری تو ابتدا ہے۔ اے محبوب، ان تمام عذابوں اور سزاؤں کی وجہ یہ ہے کہ رب تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ جو نعمت وہ کسی کو دیتا ہے، اسے بلا وجہ اس قوم سے چھینتا نہیں ہے، حتیٰ کہ وہ خود اپنا حال بدل لیتے ہیں، نعمتوں کی قدر نہیں کرتے، بجائے شکر کے کفران کرتے ہیں، بجائے امانت داری کے خیانت اختیار کرتے ہیں، تب ان سے نعمتیں چھن جاتی ہیں یا عذابوں میں تبدیل کر دی جاتی ہیں۔ کفار مکہ پر ہم نے نعمتوں کی بارش کر رکھی تھی، دنیا بھر میں بد امنی، مکہ میں امن تھا، ان کی حرم میں رہنے کی وجہ سے دنیا بھر میں عزت تھی، انہیں قریشی خاندان سے کیا تھا۔ پھر آخر سب سے بڑی نعمت یہ تھی کہ نبی کریم آپ کو ان میں بھیجا تھا، قرآن مجید ان کی زبان میں اتارا تھا، حجاج کی خدمت بیت اللہ کی پاسبانی، زمزم کی شکایت انہیں بخشی تھی، مگر انہوں نے ان نعمتوں کی قدر نہیں کی۔ تو آپ نے دیکھ لیا کہ بدر میں یہ کفار کتے کی موت مارے گئے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک ہر بات سنتا ہے، ہر ایک کا حال جانتا ہے، کوئی اپنے کو اس کی پکڑ سے باہر نہ سمجھے۔ آئیے طلب کرام تشریح و توضیح کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس پر ہونے والے اعتراضات کی طرف۔ آج کے درس پہ پہلا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ اس آیہ مقدسہ سے معلوم ہوا کہ کفار کی پکڑ کفر و شرک، چھوٹے بڑے گناہ سب پر ہوگی۔ جب ان پر شرعی احکام ہی جاری نہیں ہوتے، ان پر نمازیں فرض ہی نہیں، تو جوا شراب حرام ہی نہیں، تو ان پر پکڑ کیسی ہوگی؟ یہ آیت قانون شرعی کے خلاف ہے، یہاں بھی ذنوبہم کیوں فرمایا ہے؟ اس کا جواب یہ دے رہے ہیں کہ کفار پر نماز وغیرہ فرض نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بحالت کفر ان پر شرعی ادائیں فرض نہیں ہیں، اور مسلمان ہو جانے پر قضا فرض نہیں،
ये हुक्म शरई है, मगर अल्लाह के नजदीक उनको हुक्म है कि ईमान लाओ, नमाज रोजा वगैरह अदा करो, सूर शराब से बचो। इस हुक्म पर अमल ना करने की वजह से उन पर सब जुर्मों की सजा और आजाब होगा। शरीयत का फर्ज हराम और चीज है, इंदल्ला फर्ज और हराम और चीज है। रब फरमाता है, मा सलककुम फी सकर कालू लम नकु मिनल मुसल्लीन। दूसरा एतराज आज के दर्स के ऊपर ये होता है कि इस आयत करीमा को कवियुन शदीदुल इकाब पर क्यों खत्म किया, रब की और सिफात पर क्यों खत्म नहीं किया? तो इसका जवाब कुछ यूं देते हैं कि इन सिफात को जिक्र करने की वजह अजाब का तायुन और सख्ती बताना है। अगर हाकिम मुजरिम को सजा दे तो इसकी वजह या हाकिम की कमजोरी होती है कि वो पकड़ने पर कादर ना हो, या उस कानून की पकड़ में नरमी होती है कि मुजरिम उसके सामने दलेर हो जाए। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कवियुन शदीदुल इकाब की सिफात को जिक्र करके फरमा दिया कि अल्लाह कुव्वत वाला भी है और सख्त आजाब देने वाला भी है, फिर भला कोई मुजरिम उससे कैसे बच सकता है? तीसरा एतराज आज के दर्स के ऊपर ये होता है कि बेगुनाहों बच्चों पर तंदुरुस्ती के बाद बीमारियां क्यों आती हैं, उन्होंने क्या गुनाह किया है? हजरते हुसैन पर करबला की मुसीबत क्यों आई? उनसे कौन सी तसामो सरजद हुआ? जवाब इसका ये देते, यहां जिक्र नेमत छूटने और अजाब के आने का है, ये बगैर गुनाहों के नहीं आता। तुम्हारी जिक्र की हुई चीजें अजाब नहीं है, ये तो मोमिन के लिए रहमतें हैं। चौथा एतराज आज के दर्स के ऊपर यह होता है कि कुरान करीम और अहादीस से सहीहा में आता है कि कभी बाज के गुनाहों की वजह से बेगुनाहों पर भी आजाब आ जाता है। रब तआला फरमाता है, वत्तकू फितनतल्ला तुसीबन्नल्लज़ीना ज़लमू मिनकुम खासा। बताइए कि उन बेगुनाहों से नियामते आफियत क्यों छूटी और अजाबे इलाही उन पर क्यों आया? वो आयत इसके खिलाफ है। जवाब इसका ये दे रहे हैं कि ऐसे बेकसूरों के लिए ये आजाब आजाब ही नहीं बल्कि तरक्कियों दराजात का जरिया है। यहां जिक्र नियामत छिन जाने आजाब आने का है, लिहाजा कोई एतराज वारिद नहीं होता।